नरेश, टाटा BS6 गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी स्विच और गियर शिफ्ट एडवाइजर जैसे फीचर्स हैं। राजू, थोड़ा विस्तार से समझाओ ना। अच्छा तो सुनो नरेश, फ्यूल इकोनॉमी स्विच जिसका सही मोड चुनने पर मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज। इसके 3 मोड हैं, लाइट मोड इकोनॉमी के लिए, मीडियम मोड बैलेंस के लिए और हैवी मोड पावर के लिए। खाली गाड़ी हमेशा इको मोड में ही चलाओ और लोडेड गाड़ी भी हाईवे पर हमेशा इको मोड के साथ टॉप गियर में चलाओ। एक्सप्रेस वे या हाईवे पर गाड़ी को 50 से 70 किलोमीटर के स्पीड के बीच में ही चलाएं। अच्छा। और इकोनॉमी मोड और टॉप गियर चुनिए। बैलेंस मोड और टॉप गियर भी चुन सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक देखकर। जहां स्पीड 50 किलोमीटर से कम हो वहां बैलेंस या इकोनॉमी मोड चुनना चाहिए। और ओवरटेकिंग के लिए पावर मोड चुना जा सकता है। चढ़ाव या फ्लाई ओवर पर गियर डाउन शिफ्ट करें। अच्छा। और बैलेंस मोड को चुनिए। क्या बात है। घाट पर गाड़ी 30 किलोमीटर से कम स्पीड पर चलाएं। अच्छा। बैलेंस या पावर मोड चुनें और ओवरटेकिंग ना करें। सिटी में 30 किलोमीटर के कम स्पीड पर एफई स्विच पावर या बैलेंस मोड को चुनना चाहिए। कच्चे रास्तों पर जहां पर 30 किलोमीटर से कम की स्पीड हो वहां पर बैलेंस मोड या इकोनॉमी मोड को चुनना चाहिए डाउनशिफ्ट गियर के साथ। अगर ट्रैफिक के हिसाब से स्पीड कम होने लगे तो गियर शिफ्ट एडवाइजर के हिसाब से ही गियर चेंज करो, एफई स्विच का मोड मत चेंज करो। ट्रैफिक कंडीशन देखकर पावर मोड चुना जा सकता है। अच्छा। अगर और ज्यादा पावर की जरूरत लगे तो इकोनॉमी से बैलेंस और बैलेंस से पावर मोड को चुनो। घाट में बैलेंस या पावर मोड में ही गाड़ी चलाओ। ओवरटेक करते समय गाड़ी का एक गियर चेंज करके गाड़ी का पिकअप बढ़ाओ। ओवरटेक के बाद वापस इको मोड में ही ड्राइव करो। अच्छा। खाली गाड़ी हमेशा इको मोड में चलाओ। एक्सप्रेसवे या हाईवे पर गाड़ी 50 से 70 किलोमीटर पर इकोनॉमी मोड और टॉप गियर में चलाइए। शहर में चढ़ाव या फ्लाईओवर पर या कच्चे रास्तों पर या 30 किलोमीटर से कम स्पीड पर बैलेंस मोड में गाड़ी चलाइए। घाट में बैलेंस या पावर मोड में गाड़ी चलाइए। बार बार मोड चेंज मत करें। ज्यादा पावर के लिए गियर शिफ्ट एडवाइजर के हिसाब से गियर चेंज करें। अगर ओवरटेक करते समय अधिक पावर के लिए मोड चेंज करना पड़े तो ओवरटेक करने के बाद वापस इको मोड में ड्राइव करिए। राजू, क्या इन 6 बातों को ध्यान में रखने से मैं भी अपनी टाटा BS6 गाड़ी से बेस्ट माइलेज पाऊंगा? हाँ नरेश। अरे वाह। एफई स्विच और गियर शिफ्ट एडवाइजर जैसे फीचर्स के सही इस्तेमाल से टाटा BS6 की गाड़ी सही माइलेज देती है। क्या बात है। इसके अलावा मैं गाड़ी को सिर्फ ग्रीन बैंड में ही चलाता हूँ। ग्रीन बैंड क्या होता है, जरा विस्तार से समझाएंगे? इंजन के निष्क्रिय होने से बचे। सबसे अच्छा माइलेज पाने के लिए हमेशा वाहन को 1100 RPM से 1600 RPM के बीच में चलाना, उसी को ग्रीन बैंड कहा जाता है। इंजन आइडलिंग से बचें, मतलब खाली गाड़ी होने पर लंबे समय तक इंजन ऑन नहीं रखें। वाहन को न्यूट्रल गियर में रखकर नहीं चलाएं। BS6 की गाड़ियों में एक और नया प्रोसेस है जो है रीजनरेशन, जिसकी सही जानकारी और डैशबोर्ड के बटन और इंडिकेटर की समझ और इस्तेमाल गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही हमें और भी साधारण बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है? गाड़ी स्टार्ट करके इंजन को कम से कम 2 मिनट तक चालू रखो ताकि इंजन अच्छे से गर्म हो जाए। गाड़ी चालू हमेशा सबसे छोटे गियर में पावर मोड में ही करो। ठीक है। और जब गाड़ी की स्पीड 50 से 60 तक आ जाए तो वापस उसको इको मोड में डालो। और हाँ, लगातार अचानक अनावश्यक त्वरण से बचें। ठीक है। घाट और जहाँ बहुत ट्रैफिक हो वहाँ पर कम स्पीड और सुरक्षित दूरी बनाकर चलें ताकि ब्रेक मारने में आसानी हो। क्लच राइडिंग से बचें और रास्ते पर लगातार गाड़ी बंद या चालू ना करें। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट करके कम से कम 2 मिनट इंजन को चालू रखो ताकि इंजन अच्छे से गर्म हो जाए। गाड़ी चालू हमेशा सबसे छोटे गियर में पावर मोड में ही करो और 50 से 60 के स्पीड तक लाने के बाद इको मोड में डालो। लगातार अचानक या अनावश्यक त्वरण से बचे। घाट और जहां बहुत ट्रैफिक हो वहां कम स्पीड और सुरक्षित दूरी बनाए रखो जिससे ब्रेक मारने में आसानी हो।
अपनी गाड़ी और आगे की गाड़ी के बीच में काफी अंतर रखो। क्लच राइडिंग से बचें और रास्ते पे लगातार गाड़ी चालू या बंद न करें।